तो गाइस आज की जो हमारी स्टोरी है इसका नाम है द कलेक्टर्स वाइफ बाय मित्रा पुखान। गाइस जो मित्रा पुखान है ये आसाम की बहुत फेमस राइटर है, और हमारी जो मेन कैरेक्टर है ये है रुक्मणी बेजबरुआ, और उनकी जो हस्बैंड है उनका नाम है सिद्धार्थ बेजबरुआ। यही इस स्टोरी के जो मतलब जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये वही है। और एक करेक्टर है मनोज मोहंता, और एक करेक्टर है जिसका नाम लास्ट में ये आते हैं मुकुल माधव। ठीक है। तो गाइस ये जो स्टोरी है ये बेसिकली इसका जो मेन जो प्लॉट है, जो जगह है ये पर्वतपुत्री आसाम में है, और आसाम में 1970s और 1980s के बीच जो वायलेंस हुआ था आसाम में, जो प्रॉब्लम चल रही थी उनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। जो हमारी रुक्मणी है जो मेन कैरेक्टर है, ये उनका एक उनकी बात ये है कि ये उनका कोई बच्चा नहीं था, उनका बच्चा नहीं हो रहा था, और इसका सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ की एक बहन भी थी रेनू, वो हमेशा जब भी आती थी उनके माता पिता के साथ, सिद्धार्थ के माता पिता के साथ, तो हमेशा आके बोलती थी कि हाँ ये टेस्ट ट्यूब भी करा लो वगैरह वगैरह के रुक्मणी को आके समझाती थी। तो चलते हैं फिर रुक्मणी के कॉलेज की तरफ। रुक्मणी एक गेस्ट लेक्चरर थी, इंग्लिश में पढ़ाती थी कॉलेज में, गेस्ट लेक्चरर थी मेरी तरह, और वो हमेशा क्या करती थी कॉलेज में खुद, मतलब कॉलेज में प्रोटेस्ट ज़्यादा चलते थे तो वो खुद ही अपना टेबल वगैरह खुद ही साफ़ कर लेती थी। ठीक है। वहाँ पे और एक आदमी से उनका मुलाकात हुआ जिनका नाम है अर्णव चक्रवर्ती। ये एक एक्टिविस्ट है, ये सिटीजन्स राइट के लिए हमेशा ये बातें करते थे। सिटीजन राइट्स का एक फोरम था उनका, सिटीजन राइट्स का फोरम था उनका, ये हमेशा सिटीजन राइट्स के लिए बात करते थे और हमेशा लोगों की मदद करते थे। और ये एक पॉलिटिकल फेस भी बनना चाहते हैं, वो एक अपना ही एक पॉलिटिकल फायदे के लिए भी ये वो सब कर रहे थे। ठीक है। और चलते हैं, ये जो कहानी की मेन जो शुरुआत होती है एक शादी से होती है, एक मैरिज से। मैरिज होता था रीटा का, रीटा रुक्मणी की फ्रेंड है, जहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी आते हैं, अनिमेश वगैरह वगैरह। वहाँ पे हमारे जो करेक्टर है मुकुल और मनोज ये भी आते हैं वहाँ पे। मतलब रुक्मणी के साथ मनोज की मुलाकात भी होती है, लेकिन रुक्मणी की जो फ्रेंड है प्रियंका, वो मनोज को देख के बहुत मतलब प्यार में पड़ जाती है। ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मनोज के साथ रुक्मणी की कोई बात नहीं होती, लेकिन उस मैरिज में एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वहाँ के लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये देखो ये रुक्मणी को यहाँ पे लाई है, देखो ये तो इसका तो कोई बच्चा नहीं है, तो ये अपशगुन होगा कि रीटा की मैरिज में एक ब्राइड के साथ एक जिसका बच्चा नहीं है वो औरत रहे वगैरह वगैरह, सब शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसको एम्बेरसमेंट भी फील होता है रुक्मणी को। उसके बाद चलो कहानी आगे बढ़ती है, कॉलेज से आगे बढ़ती है। कॉलेज जाने और आने के बीच एक रोड है जिसका नाम है एमजी रोड। उसका नाम था पहले किंग रोड, लेकिन आज़ादी के 50 साल के बाद वो सारे चीज़ें बदलने लगी। और कॉलेज से रुक्मणी, कॉलेज जो पढ़ाती है दीनानाथ सख्या कॉलेज, जो रुक्मणी पढ़ाती है दीनानाथ सख्या कॉलेज, वो एमजी रोड से 15 मिनट के दूरी में पड़ता था। तो हमेशा रुक्मणी जो है अपने फ्रेंड प्रियंका को बोलती रहती कि देखो पहले किंग रोड था, किंग रोड में ये वगैरह सब ब्रिटिशर्स रहते थे, और वहाँ पे बीफ मीट कैन वगैरह सब मिलता रहता था, लेकिन अभी तो ये महात्मा गांधी रोड हो गया है, कितना बदल गया है वगैरह बोलती रहती थी। और उस रोड के एक वॉल है और एक दीवार है, दीवार में ये लिखा हुआ था कि डाउन विथ टेररिज्म एंड अप विथ पेट्रियोटिज्म, और पेट्रियोटिज्म में ए की जगह ई लिखा है, तो वो हंसना भी शुरू कर दिया था उसने हमारी रुक्मणी ने। और ऐसे ही कॉलेज जाती है, कॉलेज जाने के बाद कॉलेज में भी मतलब अपना क्लास वास वगैरह हमेशा वो अपनी हॉबी की तरह करती रहती है। ठीक है। और कहानी आगे बढ़ती है, एमजी रोड में अचानक एक इंसिडेंट हो जाता है, वो गिर जाती हैं अपना सामान लेते वक्त, अचानक चक्कर खा के गिर जाती है। तो वहाँ पे हमारा जो करेक्टर है मनोज आके उनको हेल्प करता है, तो मनोज आके बोलता है आपने मुझे पहचाना, तो मनोज को रुक्मणी ने कहा पहचाना नहीं, तो मनोज ने कहा मैं आपके रीटा की शादी में आपके साथ मिला था। ओ अच्छा आप वो है। तो उन दोनों का मुलाकात भी चलता है, मुकुल भी आके मिलता है, रीटा की भी आके मिलती है, तो वो लोग
जाके एक कॉफ़ी भी पीते हैं साथ साथ, बाद में मुलाकात तो होती रहती है। मिलते कहाँ हैं? इंडिया रेस्टोरेंट में। इंडिया रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ जिसका ओनर एक चाइनीज़ है। ये जो चाइनीज़ थे ये बहुत पहले आ चुके थे इंडिया, मतलब वहाँ पे, और वहाँ पे आके रहते थे। लेकिन अंदर चाइना टाउन था और चाइना दुकान भी था, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के बाद उस दुकान का नाम इंडिया रेस्टोरेंट, मतलब उस रेस्टोरेंट का नाम इंडिया रेस्टोरेंट रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद वहाँ के बातें होने लगी। देखो यहाँ पे रुक्मणी भी बोलने लगी, पहले देखो पहले यहाँ पे मंगोलियड भी है, यहाँ पे ड्राविरियन भी है, बाहर से अंग्रेज जो ब्रिटिश जो बागीचा में मतलब टी गार्डन में काम करते हैं वो भी बाहर से आए, ड्राविरियन से, मंगोलियड है, इंडो आर्यन है, सभी है यहाँ पे। यहाँ और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ये देखो इनके खिलाफ ये बातें चलती रहती हैं यहाँ पे। तो कहानी आगे बढ़ती है। एक डॉक्टर है, जब भी सिद्धार्थ आता है वापस, तो सिद्धार्थ क्या करते हैं, सिद्धार्थ बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए डॉक्टर रभा के पास मिलने जाते हैं। डॉक्टर रभा एक गिफ्ट चलाते हैं, गिफ्ट का मतलब जिमेटी इंट्राफेलियोन वेलेपियोन ट्रांसफ़र। ये एक बच्चा पैदा कैसे करना है इसके बारे में वो हमेशा बताती रहती है डॉक्टर रभा। टेस्ट ट्यूब भी कैसे कराना है वो इसके बारे में बोलती रहती है और सिद्धार्थ और रुक्मणी को। ठीक है, लेकिन दोनों का मैरिज लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, सेक्सुअल लाइफ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उन दोनों का, सिद्धार्थ और रुक्मणी का मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छा, उतना ठीक ठाक ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, आगे आगे बढ़ती है। तो गाइस उसके बाद हमारे ये जो मुकुल है, ये मुकुल जो है एक जर्नलिस्ट है और जर्नलिज्म यहाँ पे आके करते हैं, और उनका मेन फोकस वायलेंस जो है, उनका कारण क्या है वगैरह वगैरह ये सब निकालने में रहता है। ये वायलेंस क्यों होता है आसाम में वगैरह, ऐसे निकालने में उनका काम मेन रहता है। तो ठीक है, बाद में कहानी आगे बढ़ती है, कॉलेज से आती है, आने के बाद सिद्धार्थ भी आता है। सिद्धार्थ के आने के बाद वो क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं उनके क्लब में। सिद्धार्थ डीसी है, कलेक्टर है, तो उनका एक एलिट सोसाइटी का एक क्लब है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग आते हैं, क्लब्स के लोग आते हैं। वहाँ पे एक ही टॉपिक पे बात होती है, वो है वहाँ के पॉलिटिक्स के ऊपर, वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, वो कैसे पॉलिटिशियंस मोफे को मतलब कंट्रोल करती है, या मोफे के बारे में बाद में बताऊंगा। और जो औरतें हैं वहाँ पे आके एक ही बात करती हैं कि देखो रुक्मणी, तुमको पता है वहाँ पे टी गार्डन मैनेजर को कैसे मार दिया गया, एक टी गार्डन मैनेजर को मतलब किडनैप कर लिया गया, उसके बाद 70, 40, 50, 70 लाख ऐसे मांग करना शुरू कर दिया किडनैपर्स ने वगैरह वगैरह, ऐसा शुरू होता है उस क्लब में। और उसके बाद रुक्मणी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, वो बातों को घुमाना शुरू करती है, लेकिन फिर भी कहीं से भी आके बातें फिर से वायलेंस में आके रुक जाता है। और कोई आके बोलता है कि देखो एक टी गार्डनर के मैनेजर को और उसकी वाइफ को रेप, मतलब वाइफ को रेप करके उसको भी मार दिया गया, AK-47 लेके लोग घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, मतलब चल रहा है ये सब, ऐसा वगैरह वो वायलेंस के बारे में बोलते रहते हैं। और वहाँ पे जो रोड में क्या होता है, रोड पे मोफे के जो लोग हैं, ये मोफे है मूवमेंट फॉर एन एक्सक्लूसिव होमलैंड। ये जो आसाम में जो मोफे है, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ग्रुप है जो लोग एकदम जो आसाम के जो बाहर के लोग आके आसाम में बस गए हैं उनको निकाल के खुद जो आसामी लोग हैं उनके लिए एक अलग सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अलग सा देश बनाना चाहते हैं, अलग सा मतलब स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, और बाहर से जो माइग्रेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स है, उन सबको वहाँ से निकालना चाहते हैं, ये उनका लक्ष्य है। ठीक है, ये मोफे का, तो इन लोगों का पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये लोग टैक्स भी कलेक्ट करते हैं इलीगली और बहुत सारे पॉलिटिशियन को सपोर्ट भी करते हैं। और इस क्लब में और एक मेंबर आती है, उनका नाम है नंदिनी देवरी।
ये ऋषिकेश देवड़ी जो एसपी है, वो पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसकी वाइफ है, हमेशा रुक्मणी को ये डर रहता है कि ये नंदिनी जो है ये सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलती, तो इसका भी किडनैप हो सकता है। लेकिन क्या होता है, रुक्मणी जो है वो ये आयरनी भी जानते हैं कि इस जो क्लब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, और इनका किडनैप बहुत बार कोई कई लोगों का किडनैप हो चुका है, लेकिन वो पैसे देके वापस फिर से आके अपना लाइफ एंजॉय करते हैं, इन लोगों का कोई डर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टोरी आगे बढ़ती है हमारी, नंदिनी फिर से जाते हैं क्लब से घर जाते हैं, जाने के बाद जाके वो पूछती है कि हमारे जो सिद्धार्थ को खाना खाओगे, लेकिन सिद्धार्थ जो है वो खाना खाने से मना कर देता है। सिद्धार्थ परेशान रहता है क्योंकि उसके रहते हुए मतलब बहुत वो कलेक्टर है वहाँ का, और बहुत ये मोफे का प्रॉब्लम, इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम, ये किडनैपिंग एक्सटॉर्शन ये सब का प्रॉब्लम, उसको बहुत सारे फ़ोन भी आते थे, तो वो बहुत परेशान रहता था। और आके ही वो बिना खाए सो गया, और नंदिनी भी सॉरी रुक्मणी भी, वो उसने थोड़ा बहुत खाना खाया, खाना खाने के बाद वो भी सो गई। और इसी वक्त एक न्यूज़ भी आई दूसरे दिन कि ऋषिकेश को मतलब जो एसपी है उसको, नंदिनी के हस्बैंड को उसको किसी ने गोली मार दी है, ठीक है। और उसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है, सब डर जाते हैं, लोग बाहर नहीं निकलते लोग डर के मारे में, लेकिन हमारी जो मेन कैरेक्टर है रुक्मणी, वो सोचती है कि सभी अगर डर के रहे तो कैसा होगा, कि चलो मैं यहाँ पे तो हर औरत गाड़ी चलाती है, मैं भी गाड़ी चलाऊंगी और जाके गाड़ी का टायर जो है वो मैं चेंज करके आऊंगी। और गाड़ी का टायर जो है, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो मनोज है ये इसका एक ये एक टायर की फैक्ट्री में काम करता है, टायर का फैक्ट्री का नाम है CTF, कोलकाता टायर फैक्ट्री, ठीक है, उसमें काम करता है ये। तो क्या होता है कि एक दुकान पे जाती है गाड़ी चला के, जो हमारी रुक्मणी है वो गाड़ी चला के जाती है एक दुकान पे टायर बदलवाने के लिए और टायर खरीदने के लिए, और वहाँ पे अचानक से वायलेंस शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा वायलेंस शुरू हो जाता है। और वो बाहर जाके बाहर बोलती है कि अरे देखो ये ऋषिकेश के जो सिपाही है ये और वो जो मोफे हैं उनके बीच में मारामारी हो रही है, कोई गोली भी चल रही है, यहाँ पे बहुत गोलियाँ चल रही है, ये क्या हो रहा है। और बोलते बोलते वो कलप्स हो गई, वो गिर गई एकदम बेहोश हो गई। और बेहोश होने के वक्त अच्छा एक आदमी आया, आदमी आके उसको उठाया, उठाने के बाद उसको हवा दिया, और वो आदमी था मनोज, ठीक है, मनोज आके बोल रहा था। और उसके बाद मनोज ने उसको संभाल लिया रुक्मणी को, और थोड़ी देर बाद रीता और मुकुल जो है वो भी आते हैं, मुकुल माधव, और मुकुल माधव को रीता बोलती है जाओ जाओ अपना रिपोर्ट करो, तुम्हें तो पुलिसदर मिल जाएगा। पुलिसदर एक जो रिपोर्टर, जैसे कि फिल्मों के लिए ऑस्कर होता है वैसे ही पुलिसदर रिपोर्टर्स के लिए पुलिसदर अवार्ड होता है। और उसके बाद लास्ट में रुक्मणी जो है वो हमेशा एक सवाल के साथ मतलब वो ये स्टोरी ख़त्म करती है कि देखो मैं किसको दोष दूँ, ये इलीगल इमिग्रेंट्स को दोष दूँ, ये स्टोरी मतलब मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को दोष दूँ इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर माइग्रेंट्स के लिए माइग्रेंट्स को मैं दोष दूँ, या फिर ये मोफे को दोष दूँ जो अपना होमलैंड मांग रहे हैं, या फिर और ये जो स्टूडेंट्स है देखो ये स्टूडेंट्स हमेशा प्रोटेस्ट लेके करते हैं, मेरे जो कॉलेज के स्टूडेंट है ये प्रोटेस्ट लेके घूमते हैं कि बंद बुलाते हैं कि हाँ देखो आसाम में परिस्थितियाँ सुधरने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं वगैरह, ये स्टूडेंट जो करते हैं मैं इनको दो दूँ, ये इनका तो कोई इनका जो प्रोटेस्ट है ये तो मंत्रियों के कान में जाता भी नहीं है, मंत्रियों के कान में जाता है लेकिन मंत्रिया लोग तो इग्नोर कर देते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये जिंदगी भर चलते रहेंगे, ये बोल के रुक्मणी जो है ये अपनी बातें ख़त्म करती है। और ये भी सोचती है कि ये जो मोफे हैं ये हमेशा देम एंड आस में डिवाइड करते हैं, ये जो मोफे हैं मोफे के जो पीछे जो पॉलिटिशियंस हैं ये क्या करते हैं, ये देम एंड आस मतलब यो लोग और हम लोग,
इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। और रुक्मणी ये भी बोलती हैं कि ये जो स्टूडेंट, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और ये अर्णव वगैरह ये सब लोग बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इन लोगों की बातें नेताओं के कान में जाके पहुँचती है, लेकिन वो नेता लोग इन मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, बोल के ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।